हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने ही चैनल कुक विद एजीआर में। आज मैं बथुए साग का कचौड़ी बनाऊंगी। इसे बनाने के लिए देखिए, मैंने 200 ग्राम का बथुआ साग ले लिया है। इसे अच्छे से मैंने धुल लिया है साफ करके, और मैं इसे कट करूँगी। इस तरह से इसे महीन महीन हम काट लेंगे। इस तरह से बहुत ही महीन महीन कट जाता है। इस तरह से देखिए, मैंने महीन महीन काट लिया है बथुए साग को। इसमें नमक ऐड कर दूंगी, अच्छे से मिक्स करके इसे थोड़ी देर के लिए रख दूंगी ताकि साग जो हमारा सॉफ्ट हो जाए। और मैं इसे ढककर कुछ देर के लिए रख दूंगी। अब मैं इसके लिए मसाला तैयार कर लेती हूँ। इसमें मैं 4-5 छोटे छोटे हरी मिर्च है और 6-7 लहसुन की कलियां हैं, एक टुकड़ी अदरक है, 1/2 चम्मच साबुत धनिया है, 1/2 चम्मच सौंफ है। इन सबको मैं बिना पानी डाले दरदरा पीस लूंगी। इस तरह से देखिए, मैंने मसाले को दरदरा से पीस लिया है। इसमें मैं डालूंगी 1 कटोरा गेहूं का आटा। साग हमारा अच्छे सॉफ्ट हो गया है। इसमें डालूंगी मैं 2 चम्मच सूजी। इससे कचौड़ी जो है बहुत ही क्रिस्पी बनता है। 1 चम्मच मक्के का आटा है। ये मैं थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी हाथों से क्रश करके। चाट मसाला 1/2 चम्मच चाहिए। कश्मीरी लाल मिर्च, और जो ये मैंने मसाला तैयार करके रखा था वो डालूंगी यहाँ। ये सारे इसमें लग जाएंगे। रिफाइंड में डालूंगी, 4 चम्मच रिफाइंड में डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। मैं जरा सा नमक ऐड करूंगी। मैंने साग में भी नमक मिलाया था और चाट मसाला बनाया है, इसलिए अंदाज से नमक मिलाना है, ज्यादा ना हो जाए। अच्छे से इन सबको मिक्स करूंगी। यहाँ मैंने 1 बड़े साइज का आलू उबाल के रखा है। इसे कद्दूकस में अच्छे से मैंने कद्दूकस कर लिया है, इसे अच्छे से इसमें मिक्स करूंगी। अच्छे से इन सबको मिलाते हुए एक डो की तरह बनाना है। अगर जरूरत होगा तो पानी ऐड करेंगे इसमें। साग में जो है मॉइस्चर रहता ही है, और आलू भी मैंने डाला है तो अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। इन सबको देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें पानी की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा पानी करके मिलाऊंगी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनने वाला है ये कचौड़ी। बिना स्टफिंग के ही ये बहुत खाने में टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है। देखिए, अच्छे से पानी मिक्स करते हुए इसे गूंथना है। इसे जितना अच्छे से पटक पटक के करेंगी, अगर अच्छे से आटा नहीं गूंथाएगा तो ये फट भी सकता है हमारी कचौड़ियाँ जो है। ना ज्यादा सॉफ्ट करना है और ना ज्यादा कड़ा। आप चाहे तो बथुए को पीस के भी डाल सकती है या फिर उबाल कर भी डाल सकती है। अगर बथुआ ज्यादा कड़ा हो तो उसे उबाल के डालिएगा। ये बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट बथुआ था, तो मैंने इसमें डंडन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, पत्ते का इस्तेमाल किया है। देखिए, अच्छे से सॉफ्ट सा हमारा आटा गूंथ गया है। इसे मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट करने दूंगी क्योंकि मैंने इसमें सूजी हल्का सा डाला है। तेल लगाऊंगी, तेल लगा के इसे ढक दूंगी 5 मिनट के लिए ताकि हमारा आटा सूखे भी ना और अच्छे से फूल भी जाए। यहाँ देखिए, 5 मिनट हो गए हैं, आटा अच्छे से हमारा सॉफ्ट हो गया। एक बार मैं इसे मसल के अच्छे से सान लेती हूँ। इसमें से मैं छोटे छोटे पेड़े बना लूंगी। जरा सा मोटा बनाना है क्योंकि ये तो पूड़ी है नहीं, कचौड़ी है, इसको जरा सा मोटा बनाना है।
तरह से देखिए मैंने सारे पेड़ों बना लिए हैं। मैं इन्हें गोल कर लूंगी। इस तरह मैं सारे को गोल कर लूंगी। इस तरह से देखिए मैं एक लूंगी, इसको हाथों से चपटा करूंगी, जरा से सूखा आटा इसमें लगाऊंगी, हल्के हाथों से बेल दूंगी। इस तरह से देखिए हमारा तेल गरम हो गया है। यहाँ मैंने सारी कचौड़ियों को बेल के तैयार कर लिया है। इस तरह से मैं एक एक करके इसमें तलूंगी। इसे एक को दो को देखिए कचौड़ियाँ भी फूल के ऊपर आ जाएंगी। देखिए हमारी कचौड़ी फूल के ऊपर आ गई है। वाह कितनी खुली खुली कचौड़ियाँ बनी है। देखिए हमारी कचौड़ी गोल्डन हो गई है। अब मैं इसे निकाल लूंगी। वाह कितनी खुली खुली गोल्डन गोल्डन कचौड़ियाँ बनी है। आप देख के ही पता लगा सकते हैं कितनी क्रिस्पी हुई हमारी कचौड़ियाँ। इस तरह से मैं सारी कचौड़ियों को तल लूंगी। तैयार है हमारी गर्मा गर्म बथुए साग की कचौड़ी। देखिए बहुत ही टेस्टी बना है, मैं आपको दिखाती हूँ। आवाज आप सुन पा रही हैं, काफी टेस्टी बना है और टेस्टी भी है, हेल्दी भी है। आप बच्चों के लंच में भी बना के दे सकती हैं, बच्चों को ब्रेकफास्ट में भी बना के दे सकती हैं। बच्चे अक्सर बथुए के साग खाते नहीं है, तो इस तरह से आप बना कर देंगी तो जरूर खाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।